हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे और लास्ट में लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 10 में स्टूडेंट हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 5H। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कम्प्लीट किए थे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 4x इंटू में साइन 8x। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन गुणा में लिखे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू में साइन 2x साइन 4x इंटू साइन 8x। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे लॉग के अंदर जो फलन लिखे, ठीक है, बहुत सारे गुणा में, ठीक है। तो लॉग जब अंदर जाएगा तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, तो लॉग साइन x आ जाएगा प्लस लॉग साइन 2x आ जाएगा प्लस लॉग साइन 4x आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग साइन 8x आ जाएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो लॉग बाई का करेंगे, ठीक है। लॉग बाई का हो जाएगा वन अपॉन बाई, वन अपॉन बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। और स्टूडेंट देखो, यहाँ पे लॉग साइन एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इतने पार्ट को एक्स मानेंगे, तो बन जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। तो लिख देते देखो वन अपॉन साइन एक्स इन टू, ठीक है। फिर स्टूडेंट देखो, जिसको मानना था, ठीक है, इतने पार्ट का फिर से हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट, लॉग साइन 2x का, तो ये आ जाएगा वन अपॉन साइन 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट, लॉग साइन 4x का कर लेते, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो वन अपॉन साइन 4x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस। स्टूडेंट एक और आ गया है लास्ट में, लॉग साइन 8x का, तो ये आएगा वन अपॉन साइन 8x और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 8x, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि लास्ट में देखो लिखा है लॉग साइन 8x, तो पहले हम इतने पार्ट को x मानेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा लॉग x, लॉग x का होता है वन अपॉन एक्स। तो हमने लिख दिया देखो वन अपॉन साइन 8x, फिर जिसको माना था, ठीक है, फिर से उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा देखो वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्टूडेंट देखो साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का करेंगे हम लोग, क्या आएगा कॉस एक्स आ जाएगा प्लस वन अपॉन आएगा साइन 2x इंटू। अब देखो स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे करेंगे, ठीक है, साइन 2x का, ठीक है। तो साइन 2x का हो जाएगा हमारे पास कॉस 2x। और स्टूडेंट देखो, याद रखोगे, ठीक है, यहाँ पे फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का और करेंगे, 2x का जब करेंगे अपकलन तो ये 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे 2 और लिख देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना लिख देंगे 2। और प्लस स्टूडेंट देखो, ऐसे ही फिर से करते थे वन अपॉन साइन 4x इंटू, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 4x, साइन 4x का आ जाएगा
कॉस 4x, ठीक है। और स्टूडेंट देखो 4x का और करेंगे, ठीक है, 4x का आपको करना आएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और प्लस फिर आएगा स्टूडेंट देखो 1 अपॉन, ये 1 अपॉन लिखा था साइन 8x, और स्टूडेंट देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 8x, तो साइन 8x का हो जाएगा स्टूडेंट कॉस 8x, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8x, तो 8x का करेंगे हम लोग कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई, और स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा कॉटेक्स, कॉटेक्स प्लस ये हो जाएगा 2 cot 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस स्टूडेंट इसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 cot 4x आ जाएगा, 4 cot 4x ये हो जाएगा 8 cot 8x। इसके बाद देखो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू थी हमारे पास, देखो स्टार्टिंग से क्या लिखी थी, वाई की वैल्यू साइन एक्स साइन 2x साइन 4x साइन 8x, तो ये वैल्यू पुट कर देते देखो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा साइन एक्स साइन 2x साइन 4x इंटू में साइन 8x, और स्टूडेंट फिर आ जाएगा देखो ये टोटल टर्म लिख दो, ठीक है, कॉटेक्स 2 cot x 4 cot 4x लिख देते, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा 8 cot 8x आ जाएगा, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2x होगा, ठीक है, यहाँ पे 2x, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, तो y इक्वल टू हो जाएगा देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अपॉन में आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट देखो तो इसको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूट है, रूट ऐसे नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर 1/2। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से लॉग ले लेते, ठीक है, तो यह आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर 1/2, तो ये लिखा था स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो लॉग ले लिया तो ये पावर पहले आ जाएगी, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो लॉग एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग m बाई एन लगा देंगे, ठीक है, तो लॉग m बाई एन इक्वल टू होता है लॉग m माइनस के लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके बाद देखो स्टूडेंट अब डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का हो जाएगा 1/y और dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, और स्टूडेंट देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इतने पार्ट का करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इतने पार्ट को x मान लेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा लॉग x, और लॉग x का होता है 1/x, तो 1/x² प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका और करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट फिर करेंगे हम लोग माइनस, अब देखो इतने पार्ट का करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इतने पार्ट को x मानना है स्टूडेंट, ठीक है, तो बन जाएगा लॉग x, और लॉग x का होता है 1/x, तो 1/x² माइनस एक्स प्लस वन, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देते, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते, देखो तो ये आएगा 1/y
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, देखो 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और स्टूडेंट देखो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2x प्लस 1 माइनस, इसका देखो स्टूडेंट इसका कर लेंगे ठीक है, तो इसका करेंगे देखो कितना आएगा, ऊपर आएगा 2x माइनस ठीक है, इसका तो 1 आ जाएगा ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट y इंटू 1 अपॉन 2 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1। इसके बाद देखो y की और वैल्यू रख देते स्टूडेंट, तो y था हमारे पास अंडर रूट में, तो सॉरी यहाँ पे 1/2 पहले कर दो ठीक है इंटू, और फिर y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू थी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ये जाएगा 2x 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्टूडेंट ठीक है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स प्लस 1 ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट सेम लिख दिया हमने ठीक है, एच टिप ये आपका आंसर आ गया ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, ओ बता दें स्टूडेंट अगर यहाँ पे आंसर ना मैच करे ठीक है, तो ये वाले पार्ट को क्या करना, आप एलसीएम ले लेना ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना अगर आंसर ना मैच कर रहा हो बुक से ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन था, लिखा देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 का होल क्यू इंटू ई की पावर एक्स। तो स्टूडेंट देखो बहुत सारे फलन यहाँ पे गुणा में लिखे ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते ठीक है, तो कैसे लिख देते हैं, वाई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की होल पावर 1/2 और अपॉन में लिखा है देखो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 का होल क्यू इंटू ई की पावर एक्स। अब लॉग ले लेते ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ठीक है, लॉग ले लेते, तो लॉग बाय इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन में लिखा देखो एक्स प्लस 3 का होल क्यू इंटू ई की पावर एक्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 की होल पावर 1/2 और फिर माइनस यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगा दे रहे ठीक है, लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस के लॉग एन, तो लॉग एक्स प्लस 3 का होल क्यू ई की पावर एक्स, तो ये फॉर्मूला लगा दिया ठीक है, जो बटे में था वो माइनस में आ जाता है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं देखो स्टूडेंट, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणा में लिखे ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस में हो जाएंगे देखो, जो लॉग लॉग के फॉर्मूले से ये प्लस में हो जाएंगे, तो लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 और फिर देखो स्टूडेंट माइनस, इसके बाद आ जाएगा देखो यहाँ देखो गुणा में लिखा है ठीक है, तो गुणा में लिखे तो किस में हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे, तो लॉग एक्स प्लस 3 का होल क्यू
प्लस लॉग ई की पावर एक्स, लॉग अंदर जाएगा ठीक है, तो प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट थ्री ई पावर। इसको देखो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा, अब ये पावर पहले आ जाएगी स्टूडेंट ठीक है, तो टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन और माइनस, और स्टूडेंट देखो थ्री पहले आ जाएगा ठीक है, थ्री लॉग एक्स प्लस थ्री और माइनस ही अंदर हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है, माइनस अंदर आ जाएगा और एक्स पहले आ जाएगा, बचेगा लॉग ई ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा ठीक है, तो बेस हम वैसे ई बेस लेते हैं ठीक है, इन सब में बेस क्या होता है ई। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस के वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस के थ्री लॉग एक्स प्लस थ्री और माइनस के एक्स इंटू वन ठीक है स्टूडेंट। लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है वन, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन वाई ये हो जाएगा स्टूडेंट लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई, फिर वाई का और करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट देखो टू इंटू ठीक है, लॉग एक्स प्लस वन का करेंगे तो वन अपॉन आएगा एक्स प्लस वन और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन ठीक है, फिर प्लस वन बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस वन का करेंगे तो वन अपॉन आएगा एक्स माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। इसके बाद देखो स्टूडेंट फिर माइनस तो ये आ जाएगा देखो थ्री और इसका करेंगे वन अपॉन आएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री ठीक है, और स्टूडेंट फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री का और करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री और फिर स्टूडेंट माइनस और ये हो जाएगा देखो स्टूडेंट एक्स का हो जाएगा देखो एक्स का वन हो जाएगा तो वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ स्टूडेंट देखो टू अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन का कितना होगा एक्स का तो वन हो जाएगा वन का जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर आएगा कुल मिला के टू वन प्लस जीरो अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई टू ये था स्टूडेंट, और यहाँ पे वन अपॉन में था तो इसको लिख देते ठीक है वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन ठीक है, एक्स का तो वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा, फिर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स का तो वन हो जाएगा वन प्लस और थ्री का हो जाएगा जीरो, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट तो वाई टू अपॉन एक्स प्लस वन वन अपॉन टू एक्स माइनस वन और यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन और ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, और स्टूडेंट देखो ये माइनस वन था लास्ट में ठीक है, तो ये माइनस वन यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा एक माइनस वन। इसके बाद देखो स्टूडेंट वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वाई की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस थ्री का होल क्यू और ई की पावर एक्स, फिर स्टूडेंट ये वाला पार्ट लिख दो टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये हो जाएगा देखो स्टूडेंट वन अपॉन टू एक्स माइनस वन और स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन, ये आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नंबर लिखा देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल क्यू एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर, इसके बाद देखो स्टूडेंट क्या करना, अब इसको पहले देखो यहाँ पे गुणा में लिखे ठीक है, बहुत सारे फलन थे तीन फलन लिखे हैं ठीक है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड
दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो लॉग बाई हो जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल क्यू, एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर, एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर। तो यहाँ स्टूडेंट देखो सब गुणा में, ठीक है, तो लॉग अंदर कर देंगे देखो। तो जब लॉग अंदर जाएगा तो सारे प्लस के हो जाएंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस टू का होल क्यू और प्लस का जाएगा स्टूडेंट देखो लॉग एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से हो जाएगा लॉग बाय इक्वल टू जाएगा, ये पावर पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो टू लॉग एक्स प्लस वन और टू लॉग, सॉरी टू नहीं होगा, थ्री होगा यहाँ पे, थ्री लॉग एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू और प्लस फोर लॉग एक्स प्लस थ्री। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लॉग बाई है, ठीक है, लॉग बाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टू लॉग एक्स, टू लॉग एक्स प्लस वन का, तो ये आ जाएगा टू टू इन टू, ठीक है। अब करेंगे देखो लॉग एक्स प्लस वन का आएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, फिर प्लस इसके बाद देखो स्टूडेंट थ्री लॉग एक्स प्लस टू लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग जो लिखा था लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू का लॉग एक्स प्लस टू का अपकलन जो होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वो होगा वन अपॉन एक्स प्लस टू और फिर इन टू और करेंगे हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। इसके बाद देखो स्टूडेंट लास्ट में क्या लिखा, देखो फोर अपॉन में आ जाएगा लॉग एक्स प्लस थ्री का करेंगे तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है, फिर इन टू और करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से इसको देखो स्टूडेंट आप डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है, और ये जो टर्म बचे हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो वन प्लस जीरो थ्री एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री इन टू, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई टू अपॉन एक्स प्लस वन थ्री अपॉन एक्स प्लस टू फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसके बाद देखो स्टूडेंट वाई की वैल्यू पुट कर देते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल क्यू और एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर की होल पावर, सॉरी एक्स प्लस थ्री था, एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर और इन टू में लिखेंगे देखो स्टूडेंट इन टू में ये सारे टर्म लिख दो, ठीक है, टू अपॉन एक्स प्लस वन थ्री अपॉन एक्स प्लस टू और फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, फाइनल आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 लिखा देखो स्टूडेंट y इज इक्वल टू टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स टेन फोर एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे चार फलन है, ठीक है, चार फलन गुणा में लिखे, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे लॉग ले लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये जाएगा देखो स्टूडेंट लॉग बाई इक्वल टू जाएगा लॉग टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स और ये जाएगा टेन फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट लॉग को अंदर करो, ठीक है, तो सारे फलन जो गुणा में, ठीक है, ये सब प्लस में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग बाई इक्वल टू जाएगा
लॉग टेन एक्स लॉग टेन टू एक्स प्लस लॉग टेन थ्री एक्स लॉग टेन फोर एक्स। ये टर्म आ गए सारे स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या करना, देखो यहाँ लॉग है स्टूडेंट, ठीक है, ये लॉग लिख लेते सही से, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट देखो लॉग बाई लिखा, ठीक है, लॉग बाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग टेन एक्स लिखा, ठीक है, तो लॉग टेन एक्स का अपलन करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टेन एक्स और फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे टेन एक्स, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट लॉग टेन टू एक्स का कर देते, ठीक है, तो ये आएगा वन अपॉन टेन टू एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन टू एक्स, फिर प्लस। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसका कर देंगे, ठीक है, वन अपॉन आएगा टेन थ्री एक्स और डी अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये वाला टर्म जो है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स आएगा टेन थ्री एक्स आएगा प्लस, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसका देखो लॉग टेन फोर एक्स का, तो वन अपॉन आएगा टेन फोर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन फोर एक्स। तो ये टर्म आएंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप सिक्वेंस से लिखना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। स्टूडेंट देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा देखो टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा टेन एक्स प्लस। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे टेन टू एक्स लिखा, ठीक है, टेन टू एक्स का कितना होगा सेक स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर टू एक्स और करेंगे, टू एक्स का अपलन कितना होता है टू होता है, ठीक है, तो टू पहले लिख देंगे अपॉन में आएगा टेन टू एक्स। और इसी प्रकार देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो टेन थ्री एक्स लिखा, ठीक है, तो टेन का होता है सबसे पहले लिख देते हैं प्लस में वन अपॉन टेन थ्री एक्स इंटू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन थ्री एक्स, ठीक है, टेन थ्री एक्स का होगा, तो पहले सबसे पहले टेन का करेंगे, ठीक है, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख देंगे हम लोग थ्री एक्स, सेक स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है। फिर इंटू करेंगे देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री का और करेंगे, ठीक है, थ्री एक्स का होगा थ्री, तो हम लोग लिख देंगे थ्री प्लस। इसका देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वन अपॉन ये आएगा टेन फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन फोर एक्स, ठीक है, तो इतने पार्ट को एक्स मानना, तो बन जाएगा टेन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर फोर एक्स। अब देखो स्टूडेंट फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग फोर एक्स, फोर एक्स का होगा फोर, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, फोर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा टेन एक्स प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा टू सेक स्क्वायर टू एक्स, टू सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन में आएगा टेन टू एक्स, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट ये थ्री बार लिख लेना, ठीक है, ये थ्री बार कर लेते हैं, तो थ्री सेक स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन में आएगा टेन थ्री एक्स प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा फोर सेक स्क्वायर फोर एक्स अपॉन में आएगा टेन फोर एक्स। अब स्टूडेंट देखो वाई की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स, ठीक है, और वाई की वैल्यू थी हमारे पास टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स और इनटू में स्टूडेंट को इनटू में लिखेंगे टेन फोर एक्स और फिर ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर नहीं होगा टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक है, प्लस। ये सारे टर्म लिख दो तो प्लस के देखो फिर लिखेंगे हम लोग टू सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन में
टेन टू एक्स, ठीक है, फिर इस 20 ये आ जाएगा 3 sec² 3x, तो 3 sec² 3x ये आएगा 10 3x प्लस, इसके बाद देखो स्टूडेंट प्लस में आएगा यहाँ पे और लिखना है, ठीक है, आएगा 4 sec² 4x अपॉन में आएगा 10 4x, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, तो भाई 22 एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लिखा है, तो मैं क्या करना है देखो यहाँ पे गुणा में लिखें, ठीक है, और एक्स पावर वाई है, चर की पावर चर है, ऐसे यहाँ देखो वाई की पावर एक्स है तो चर की पावर चर है, सबसे पहले हम लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये जगह लॉग एक्स की पावर वाई वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग 1, तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट ये सही से लिख देते, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग वाई पावर एक्स, और स्टूडेंट देखो लॉग 1, ठीक है, लॉग 1 याद कर लो 0 होता है, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते देखो, तो वाई लॉग एक्स आ जाएगा और x log y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके बाद देखो स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस, फिर देखो log x को ऐसे रखेंगे और d अपॉन dx ऑफ y dy अपॉन dx प्लस, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर वाई का और लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसके बाद देखो सेकंड को ऐसे रखेंगे लॉग वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का होता है 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो डी वाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कर लो, ठीक है, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, तो बाकी टर्म में इधर पछांतर कर देना, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा देखो लॉग एक्स और प्लस के एक्स बटे वाई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ये आएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स और माइनस का लॉग वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई इधर आएगा, ठीक है, तो वाई लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन में वाई, यहाँ से स्टूडेंट देखो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, वाई माइनस का हो जाएगा एक्स लॉग वाई, इसको सही से लिख देते स्टूडेंट थोड़ा एक मिनट सही से, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो बचेगा वाई प्लस, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा देखो लिखेंगे हम एक्स इंटू, ठीक है, लासा ले लेना लॉग वाई अपॉन में लिखेंगे एक्स, ठीक है, इसका जो लासा आएगा एक्स, यहाँ से डी वाई डी एस निकाल लेते देखो डी वाई डी एस कितना हो जाएगा, डी वाई डी एस हो जाएगा देखो स्टूडेंट बाई का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है, तो बाई और बटे में एक्स आएगा, तो माइनस का हो जाएगा देखो बाई बटे एक्स और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा देखो बाई प्लस एक्स लॉग बाई, बाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन में बाई लॉग एक्स प्लस एक्स, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, 22 का सेकंड पार्ट लिखा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर एक्स, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो क्योंकि एक्स की पावर एक्स लिखा है, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स की पावर एक्स, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा, अब ये स्टूडेंट देखो ये गाते पहले आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एक्स, तो इसको सही से लिख देते एक्स की पावर एक्स, ये बचेगा लॉग ई, ठीक है, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आधार जो होता है वो ई होता है, ठीक है, ई आधार पे हम लोग लेते हैं, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की पावर एक्स इंटू ई, तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
लॉग वाई इक्वल टू हो गया एक्स की पावर एक्स। अब स्टूडेंट देखो फिर से हम लॉग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अभी देखो फिर से एक्स पावर एक्स है, अगेन टेकिंग लॉग ऑन वो साइड, ठीक है। तो लॉग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। तो लॉग ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये लॉग लिखा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्स लॉग एक्स। तो स्टूडेंट को यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है इसको, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान से करना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो इतने पार्ट को एक्स मानेंगे, ठीक है, तो लॉग एक्स बन जाएगा। तो लॉग एक्स का आएगा देखो वन अपॉन एक्स, ठीक है, मतलब वन अपॉन लॉग बाई, ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देते, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स प्लस, फिर सेकंड को ऐसे रखेंगे, लॉग एक्स को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स का कितना होता है वन होता है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा देखो वन अपॉन लॉग बाई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग बाई लिखा, ठीक है, लॉग बाई का कितना होगा वन अपॉन बाई होगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है, इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये वाला एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई, ये दोनों इधर टर्म लाओ, ठीक है, ये दोनों टर्म इधर लाते हैं, तो बाई लॉग बाई वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट वाई की वैल्यू रख देते, ठीक है, वाई था हमारे पास, देख लो यहाँ से वाई हमारे पास था ई की पावर एक्स की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स की पावर एक्स इंटू, और लॉग बाई की देखो स्टूडेंट वैल्यू रख देते हैं लॉग बाई, ठीक है, लॉग बाई की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा देखो एक्स की पावर एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर लिखा है, देखो 23 का फर्स्ट पार्ट, तो y इक्वल टू लिखा देखो e की पावर x और ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट साइन क्यू एक्स और cos 4x। तो स्टूडेंट देखो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, चलो लॉग लेते, ठीक है, तो वो कितना आएगा लॉग बाई, तो लॉग आ जाएगा देखो ई की पावर एक्स साइन क्यू एक्स कॉस फोर एक्स, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ पे लॉग ले लिया हमने। अब क्या करेंगे देखो, इस लॉग को अंदर करो, ठीक है, तो गुणा में लिखें, ठीक है, वो सारे प्लस में हो जाएंगे, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स लॉग साइन क्यू एक्स इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस ये जगह लॉग कॉस क्यू एक्स, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जगह लॉग बाई इक्वल टू, अब यहाँ देखो एक्स पहले आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा स्टूडेंट सही से लिख देते, लॉग लिखा था, ठीक है, तो एक्स पहले आ जाएगा, एक्स लॉग ई बचेगा, इसको देखो स्टूडेंट ऐसे लिख दो साइन एक्स का होल क्यू, इसको लिखेंगे स्टूडेंट देखो कॉस एक्स का कॉस एक्स की होल पावर फोर, तो यहाँ से आ जाएगा देखो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू, और स्टूडेंट देखो लॉग ई, ठीक है, यहाँ पे बेस ई होता है जब लिखा नहीं कुछ होता, तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है वन प्लस, अब ये गाते पहले आ जाएंगी थ्री लॉग साइन एक्स और प्लस के फोर लॉग कॉस एक्स। इसके बाद देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट कर दो, देखो लॉग बाई का कितना हो जाएगा, ये लॉग है, ठीक है, तो लॉग बाई का आएगा वन अपॉन बाई, फिर वाई का और करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का तो वन हो जाएगा, तो वन लिख देते, ठीक है, प्लस थ्री इंटू,
अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है लॉग साइन एक्स का करना है, ठीक है। लॉग साइन एक्स का क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ करेंगे हम लोग साइन एक्स, ठीक है, प्लस फोर इंटू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग कॉस एक्स लिखा, ठीक है, तो लॉग कॉस एक्स का आएगा वन अपॉन कॉस एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, वाई इधर आएगा, ठीक है, तो वन प्लस थ्री अपॉन साइन एक्स। और स्टूडेंट देखो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस इसके बाद देखो ये आ जाएगा, देखो फोर अपॉन कॉस एक्स इंटू, और कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, तो डिवाइड एक्स हो जाएगा वाई वन प्लस थ्री कॉस एक्स, और माइनस का हो जाएगा फोर, सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा कॉट एक्स माइनस फोर, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा टेन एक्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट वाई की वैल्यू पुट कर देते, वाई हमारे पास था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, वाई की वैल्यू थी ई की पावर, सॉरी हाँ ई की पावर, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, ई की पावर एक्स और साइन साइन थ्री एक्स, सॉरी साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स और इंटू में, ठीक है स्टूडेंट देखो ये वाले सारे टर्म लिख दो, ठीक है, वन प्लस थ्री कॉट एक्स, वन प्लस थ्री कॉट एक्स माइनस की फोर टेन एक्स, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट फाइनल। इसके बाद देखो स्टूडेंट 23 नंबर का सेकेंड पार्ट लिखा है, देखो स्टूडेंट y इक्वल टू e की पावर x साइन x, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये x है स्टूडेंट, यहाँ पे x लिख देते हैं x, ठीक है, तो लॉग ले लेते, ठीक है, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लेंगे, देखो कितना जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर x साइन x, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा x साइन x लॉग e, ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा तो e मानेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो लॉग y इक्वल टू x साइन x इंटू वन, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा x साइन x, इसके बाद देखो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, तो लॉग y का होगा वन अपॉन y फिर y का और करेंगे dy वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का हो जाएगा cos x, और स्टूडेंट को फिर साइन x को ऐसे रखेंगे इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का हो जाएगा वन, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, तो y x cos x प्लस साइन x, इसके बाद देखो स्टूडेंट y की वैल्यू पुट कर देते, y था e की पावर x साइन x, x साइन x, ठीक है, और x cos x प्लस साइन x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई, और स्टूडेंट देखो हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्वेश्चन में देखो तो करना क्या है, देखो सबसे पहले स्क्वायर कर दो, ठीक है, वर्क करने पर सबसे पहले वर्क कर देते, ठीक है, तो वर्क करेंगे कितना आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, इसके बाद देखो स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक्स का तो वन हो जाएगा और वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टू बाई डी वाई डी एक्स माइनस के डी वाई डी एक्स इक्वल टू वन, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा टू बाई माइनस वन इक्वल टू वन,
तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 - 1। ये स्टूडेंट प्रूव करना था, ठीक है, क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसके बाद देखो स्टूडेंट 25 क्वेश्चन, 25 लिखा x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो स्टूडेंट देखो इसमें भी प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग ये हो जाएगा x की पावर y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट y log x इक्वल टू ये x माइनस वाई इंटू लॉग e हो जाएगा स्टूडेंट। तो y हो जाएगा log x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बताया था log e की जो वैल्यू होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे बेस e होता है, ठीक है। अब क्या करना स्टूडेंट, देखो y log x इक्वल टू x माइनस वाई, इसको दलाना शिफ्ट कर दो। तो y log x प्लस y इक्वल टू x, इसका देखो स्टूडेंट यहाँ से y कॉमन ले लो, तो log x प्लस 1 इक्वल टू x। तो y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट x अपॉन में आएगा 1 प्लस log x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना देखो, इसके बाद यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। देखो तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भाग विधि लगेगी स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करना देखो, भाग विधि में सबसे पहले किया जाता था हर का अंबर करेंगे, ठीक है। फिर हर को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, अंश का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर माइनस अंश को ऐसे रखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर, ठीक है। फिर हर का कर दो, तो हर का करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस हर का करेंगे और लॉग एक्स का आएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये स्टूडेंट एक्स एक्स कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर लिखा देखो x की पावर x प्लस y की पावर y इक्वल टू 1 लिखा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है डी वाई डी एक्स बताओ इसका। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे पहले, ठीक है। यू प्लस वी इक्वल टू 1 मान लेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम u मान लेंगे, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस के डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट डाल देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो, यू इक्वल टू है हमारे पास x की पावर x। अब लॉग लेते हैं, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देखो तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन यू आएगा, फिर यू का और करेंगे डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो लॉग यू लिखा था, इसका आ जाएगा 1 अपॉन यू, ठीक है स्टूडेंट। फिर यू का और करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये यू है तुम्हारा, और इधर आ जाएगा देखो स्टूडेंट, इधर फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे रखना, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ करेंगे लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस फिर लॉग एक्स इन टू, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये तो कट जाएगा 1 से 1, तो u 1 प्लस लॉग एक्स।
तो डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये स्टूडेंट देखो u का डिफ्रेंसिएशन आ गया, ठीक है। इसको डाल देते हैं हम लोग समीकरण दो, इसको एक डाला, ठीक है। अब देखो b इक्वल टू क्या था, b इसको माना था हमने, ठीक है। तो इसका और कर लेते देखो, तो b इक्वल टू y की पावर y, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ले लेते देखो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, log b हो जाएगा log y की पावर y स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना देखो, यहाँ पे y चर होता है, ठीक है। तो चर की पावर चर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे चर की पावर चर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो y पहले कर देना, तो log b स्कूल हो जाएगा y log y, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन b डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। लॉग b का करेंगे 1 अपॉन b फिर डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट देखो यहाँ पे पास सेकंड लगा देते, तो y को ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 1 अपॉन y फिर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसके बाद देखो स्टूडेंट लॉग y को ऐसे रखेंगे इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड का आकलन कर दिया, फिर सेकेंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का आकलन कर दिया, तो डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। तो b और ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये आ जाएगा log y और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट डी बी अपॉन डी एक्स, तो b की वैल्यू पुट कर दो, b हमारे पास था y की पावर y, ठीक है। और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये आएगा log y और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डाल दो समीकरण तीन, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये सारी वैल्यू समीकरण एक में रख दो जाके, समीकरण एक से डी यू अपॉन डी एक्स प्लस के डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई थी स्टूडेंट एक्स की पावर एक्स, तो लिख लेते हैं एक्स की पावर एक्स और वन प्लस लॉग एक्स प्लस, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये लिखी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो y की पावर y डी वाई डी एक्स प्लस और log y, सॉरी यहाँ पे log y है, ठीक है, ये log y और dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से dy dx निकाल लेते, ठीक है। तो इसको पछांतर कर दो, ठीक है, और यहाँ से dy dx कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा देखो y की पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 प्लस log y बचेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा देखो x की पावर x 1 प्लस log x, तो यहाँ से स्टूडेंट देखो डी वाई डी एक्स निकाल लेते, देखो डी वाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास x की पावर x अपॉन में, सॉरी ऊपर आ जाएगा x पावर x 1 प्लस log x, और अपॉन में आएगा देखो y की पावर y 1 प्लस log y, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और सॉरी स्टूडेंट एक मिस्टेक होगी, ये माइनस और आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस और आएगा, माइनस, ठीक है। ये तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। और स्टूडेंट सभी लोग कमेंट जरूर करते रह करें, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो पास में जो बेल लगी है उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है। बेल को प्रेस करने से ये हो जाता है, ठीक है, जो हम वीडियोज अपलोड करते हैं उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ठीक है, जिससे आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख पाएंगे।
और स्टूडेंट मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर लेना, ठीक है, और या फिर मुझे ट्विटर पर भी सर्च कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना, और मुझे टेलीग्राम पर भी सर्च कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और स्टूडेंट बता दें, ठीक है, अगर आप मुझसे डेली लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट बता दें, ठीक है, डेली लाइव क्लास में क्या होता है, ठीक है, आपकी आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा उसमें, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर किए जाएंगी, और आपकी जो डाउट्स होंगे, ठीक है, वो टोटल क्लियर किए जाएंगे, और उसमें संडे को जो होता है वो टेस्ट सीरीज रहेगी। तो स्टूडेंट लाइव क्लास में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है।